अस्सलाम वालेकुम, मैं मलक हसनैन, तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मलक हसनैन आवान विलोग। नानू तैयार हो गया, जोई भी तैयार होनी पई है, असी चले जरा अगले दाड़े तुहानू विलोग दे विच विखाया कि वापसी हो गया साडी गड्डी जिहड़ी वेदे पे हो गड्डी थोड़ा जिहा नवां काम होया पे इस वास्ते वापसी होना पै गया सन ते जिहड़ा असी हुण दोबारा वापस उत्थे चले किते 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 पता नहीं कितने चले, मैंने तो याद ही कोनी। ओ सॉरी, याद आ गया मैंने, चनाब पार्क उत्थे जी अब्दुल हकीम दियाँ पता नहीं कह दियाँ बोतलां वो पीन चले हाँ, नज़र बलोच दियाँ याद आया, वो बोतलां वो पीन चले टाइम होया तकरीबन चार दा ला लो। ते ठीक है, जेडे मेरे चैनल तो नवे वो मेरे चैनल सबसक्राइब करते सन, करते हैं अज का शानदार विलॉग शुरू। ये विलॉग थोड़ा जहा वड्डा होने वाला है, वड्डे तो मुराद है कि त्रै दड़े वाला विलॉग होने वाला है, क्योंकि टाइम काफ़ी होया, कुछ देर पहले मैं एक वीडियो बनाई है फिर वो अपलोड की है, आज टाइम है, आज वार है बुद्ध का, तो इस वास्ते बुद्ध वाले दड़े एक वीडियो अपलोड की है, फिर दूसरा विलॉग जोड़ा हूँ बना रहे हैं, फिर एक कल या परसों या कल शायद खत्म हो, क्योंकि साडे विलोग होंगे न देसियां वाले जट्टां वाले, असी स्लोली स्लोली विलोग बनाने, अज का विलोग जोड़ा है वह जरा जल्दी बन गया क्योंकि वाह वाह दड़ा वीडियो नहीं आई पाई, तो मेरे चैनल में जुड़े रहो तो तुहानू थोड़ा विजिट करवाने। लोफर अवारे जनाब जी, अवारे तो कौन है लेकिन घूमन का बड़ा शौक है, हर दूजे दड़े बाद मैं कितने ना कितने रहा रहना क्योंकि मैं घर बह नहीं सकता, मैं बहुत बोर होना, तुम ये भी आते उसको काम पता नहीं क्या करें, काम भी बस अपना ही है, इतना काम है कि सोने बहने खिलौने ते खाने बस, और घूमन फिरन वाला काम है, ते बाकी मेरे नाल जुड़े रहो, ते फिलहाल असं वेंदे पिया वात भूल गया मैं। मैं गड्डी पीछा करेंदा पिया पिछले लैंड टूट गई है, आए दिहाड़े मेरी गड्डी का कोई ना कोई काम निकलता रहता है, गड्डी खराब नहीं है, मतलब ये है बंदा कि मैं चलानी नहीं आती सही तरीके। फाइनली असी पहुंचे जी चनाब पार्क ते, ये साडे मुल्तान दे चनाब दे नाल है चनाब पार्क, पहले हर जगह दे विजिट की रखे लेकिन इत्थे जड़ा ना मैं तो जिंदगी पहली बार आया, एवें तो प्यो इतों का व्यू है, जोया ते अजान जड़े ने अगर कटोरे वेंदे ने। ए जी असी फाइनली इंटर हो गया चनाब पार्क के अंदर, उत्ते बिजली की तारां बहुत शोर मचाई खलियां, बहुत खूबसूरत व्यू है इतों का, यकीन करो अगर किसी का चक्कर लगे बेटे उधर गिर जाओगे, उधर गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे, बहुत खूबसूरत व्यू है। अभी तो प्यो इतना कोई ट्रेन वगैरह चलती है पता नहीं, हाँ पानी वाली ट्रेन वगैरह चलती है, मैं तो पहली बार आया लेकिन मज़ा आता पे इतने आके,
उत्ते मेरे तारा वेदे पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है ना, तो बहुत हैवी करंट गुजरता है पे, तो ये पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन इतने नहीं होनी चाहिए वैसे। बहुत प्यारा व्यू है इतना, बहुत मज़ा आता पे इतने आके, लेकिन एक मसला है उत्तर तारा वाला, मैंने तो बड़ा डर लगता था, या तो बात तारा गलत है या पारक वाले पारक गलत बनाया। बहर जो भी है बहुत अच्छी जगह है, यकीन करो अगर थोड़ा विजिट लगे परली साइड तो वेदे पे तो ट्रैफिक गुजरती पी है, ये नाल ही है चनाब पारक, इतने बहुत खूबसूरत जगह है। पिछली साइड ना कोई नसीबो लाल का सुनने वाला बैठे ही ढोला वे कली मर जावांगी, ते बड़ा माहौल बनाई खलाई जबरदस्त। क्या कम है हूँ जानू मेरा इतना शैतान है, ए ढोला वे दे पियो ए पट लिया, मैं हूँ दोबारा उस खो के लाया, एक वो सट्टी खलाए इतों बल्ला पट्टी खलाई। बच्चों ने के पता है कि शैवन के नहीं, अगले आके मेरे को पूछन ओ भाई के फादा है बच्चे नहीं जेन न। तो और असी सैर करन आया नाल साढ़े भी आई खली है, आओ खूबसूरत इलाका है ना, तो इस वास्ते हर चीज़ जड़ी है बड़े क्या आखते इंजॉय करन आती है। इतों खाला चलता पे विचो ये पार्क के विचो ही, देखो कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। फैमिलियों वास्ते मतलब फैमिली इतने आ सकती हैं, फैमिलियाँ इतने आके खाना पीना तो जिंदगी जी इंजॉय करेंगे इतने आके, मतलब इंजॉयमेंट आती है, तो बहुत खूबसूरत व्यू है। वैसे चिड़चिड़ की वजह तो मैंने मेरे तो सिरे भीड़ हो गई, उतले खंभे लगते पे ना बहुत हैवी बिजली बहती पी, इतों मेरे सिरे बहुत दर्द हो गया, यकीन करो अजीब जहा फील हो रहा है। खाते पीता से अजे तक कुछ है नहीं, इतने खाधी पीती साढ़े परली साइड से तुम मैं खाना उस साइड से, उस साइड से देगा वगैरह पई हुई चावलों वास्ते, मछली फ्राई हो रही है, मछली तो असं खा नहीं सकते, यदि वजह पता की है मछली मन अस मैदे के मरीज है ना, इस वास्ते हूँ कुत्ते ने छिड़ेंदा वै मेरा छोर तो इनू पैर कुत्ता अगे एक दफा कुत्ते ने छिड़े इस कुत्ता ये गले पै गए ओए ना कर, बड़ी औखी जान छुड़ाई वा तो जुत्तियां भी छोड़ के बज आया उत्ते। ना झूलिया तो बैठे असी, ना ही कुछ है खाधी पीती इतों खास तौर पर बाहर, क्योंकि इतों कोई चीज़ा मैंने तो पसंद नहीं आई कोई अच्छी चीज़ा हो, लेकिन परली साइड तो गए ही कोई नहीं असं, ओ मेरी गड्डी की चाबी डह पी, तो बस थोड़ा जहा बच्चे इंजॉयमेंट किया वे पे वेंदे पेन। टाइम होया तकरीबन शाम 6:30 का गलबन, तो मगरब का टाइम आने वाला, मेरी नमाज का टाइम भी आने वाला, तो हूँ घर में निकलने राह चो बोतल वगैरह पीने नज़र पलोश दियाँ मच्छर लग गया मूँह देने, तो फिर घर में निकलते हैं इंशाल्लाह। मुल्तान दे तुहाड़ा विज़िट लगे ना, तो मुल्तान वाले भी वेदे पे सुन मेरी वीडियो, और मुल्तान तो बाहर वाले मेरी वीडियो जो वेदे पे, और मुल्तान ने थोड़ा चक्कर लगे तो चनाब पार्क के जरूर आवे, कितना खूबसूरत व्यू है, वेखो जबरदस्त माहौल बने पे, वेखो इतों ट्रेन लगती है उपरली साइड तो, वो ट्रेन खली हुई है उपरली साइड नहीं नज़र आती है, वो खली हुई है, तो बहुत खूबसूरत मंजर है, जितनी तारीफ की मंजे उतनी घट है। वेखो इन्हें पानी वास्ते बनाया हुआ है, पानी जिस टाइम इतना फुल आता है ना, तो फिर इतों हो के इस पुल के थलों गुजर के है साइड पर बहुत है चिनाब पार्क के मंजर हैं, बहुत खूबसूरत मंजर हैं, फुल वेखो कितने खूबसूरत महक दे कल, मैंने वैसे बहुत प्यारी लगती है हरियाली वगैरह हो गई, आम तो दरखत खला हुआ इतना है, हूँ वेखो मैं तुम पूरा व्यू खाना इतों का, कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत जगह है। बस मैं यही आख सकता जिस टाइम तुम आओ मुल्तान के इतने जरूर आवे, बहुत मज़ा आओ तुम आके चनाब पार्क नूं कर रहे हैं लाफिज, और गड्डी मेरी खाली हुई है पार्किंग दे विच, इतों मैं गड्डी छिकदा, पार्किंग काफ़ी अच्छी है खूबसूरत है, देख लो बहुत खूबसूरत जगह बनाई है, मोटरसाइकिल खलें बहुत खूबसूरत पार्किंग है, और वसी पार्किंग है, ज़बरदस्त माहौल है। पार्किंग तो निकलने तो बाद सामने वेदे पे रोड है, और साइड तो गंदम बहुत खूबसूरत व्यू है, कभी चक्कर लगे तो ज़रूर आवे इंशाल्लाह। उतों निकलने तो बाद आ गए चाचा नज़ीर को बोतल पीण, मुजफ्फरगढ़ रोड है चाचा नज़ीर, इतने चाचा नज़ीर की हट्टी है, बहुत प्यारियाँ बोतल आदि ये भी पी के वेख्या है तुम जब मुल्तान आता है।
ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਲਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ 1, 2, 3, 4 ਬੋਤਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤਨੇ ਦੀ? ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਨਾਬ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧੇ ਆਇਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਲਬਨ ਲਈਆ ਚੌਕ ਮੁੰਡਾ, ਚੌਕ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆ ਗਲਬਨ ਵਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 349 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, 116 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਹਾੜੀ, 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਗਰਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। 150 ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ 60 ਰੁਪਏ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲੇਜੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੁਣ, ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲਵਾਉਂ ਇੰਨਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਪਈ ਆ ਬੱਤੀਆਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਫਾਟਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕੋ ਨਾ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਯਾਰ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲਈ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਲੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੈਣ ਜੱਟ ਖੈਰਾਂ। ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਈ ਕੋਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਗੁੱਡ ਬਾਈ ਗੁੱਡ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਡਿਮ, ਬਲਬ ਫੁੱਲ ਬਲਦੇ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਛਿੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਤਨੀ ਰਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਕਿਤਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਓਏ 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 ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਟੀਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੱਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰੰਟ ਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫੋਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਮਾਉਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਅਲ ਗੱਡੀ ਹੋਂ ਹੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕਜਾ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਟਾਰਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਹੈਂ ਇਸ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ
बाकी तो चक वट लिया बंदे ने। नानू इधर हाथ लगा, इधर हाथ लगा, क्या फील होता है? बिल्ली दे दो बच्चे चाहे बिरा मेरा निक्का जड़ा ना, तो एक जड़ा वो गुम हो गया है, इस टाइम कि बन सकता है, दूजा है बस वो लभद लभता नहीं पे, एक मासूम है ना, तो डर लगता कोई शायद खा ना मंजे उन्हें, इलाका बात उगा जाए थोड़े सामने है। हाँ मैं काफ़ी थक गया, मैं ना सोना तबीयत जी ना थोड़ी जी अपसैट है, मैं तो ये प्रॉब्लम है, रोटी को नहीं खाती, रोटी तो ले आया उस मैं तो दिल नहीं करेंदा, अगर थोड़ा थोड़ा ना सिर दर्द होती पी है उस टाइम का, जैसे गया उधर गया मैं तुम दसा ना पाया वो कि पार्क है चनाब पार्क, तो बहुत गल आती है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूँ उठा पहले सुता पास बार, ते हूँ फिर सवेरे नमाज पढ़ के अंदर आ गया, बाहर क्योंकि बड़ी सर्दी आई बहुत, हूँ मैं जरा फ्रेश होना बस नाश्ते का समान लैने अल्लाह अकबर, फिर जी नाश्ता करते हैं, मैं फिलहाल थोड़ा फ्रेश होना नाश्ते का समान लाया जाना, और घर नाश्ता नहीं किया था, अभी अगर ससुराल आओ नहीं उतने नाश्ता करे इतने आया तो सस ही कौन अगो, मैं चने और दही ले आया, मैं नाश्ता उतने कर साज वाह दड़े हो गए घर नाश्ता कर कर जाना बोर हो कलास। हूँ वेखो के रूटीन है, सस तो गई हुई है शेर शाह को कम अस आप बनाना पोसी हूँ, और अज लगता पे सवेरे सवेरे साढ़े नसीब सोते पे इतने आया तो इतने एक सस को नहीं, दूजा इतने गैस को नहीं, हूँ फिर वापसी घर बहने उ घर नाश्ता बनाने, साडा तो सिलंडर है ना इतने बस सूई गैस है, सूई गैस इतने सवेरे सवेरे टुर पा तो आंता 11-12 बजे हूँ भूकना लैंड हो पी है। टाइम है तकरीबन सुबह 9:30 का, अजे तक साडा नाश्ता को नहीं बनया क्योंकि असं हूँ आए हैं उस साइड तो, फिर होर मजीद नहीं बोलिया पैंता पाया, ठीक है इतने करे ना अज की वीडियो का एंड, उम्मीद है तेन सॉरी तुम मेरी अज की वीडियो अच्छी लगी उसी, अगर अज की वीडियो अच्छी लगी तो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो इंशाल्लाह मिल सक नवे ब्लॉग के नाल, अपना बड़ा सारा ख्याल रखना, नानी बाय बाय करते।